आजकल मेरे फीड में ना अनपॉपुलर एनिमे ओपिनियंस के बहुत रील्स आ रहे हैं। मेरे भी दिमाग में कुछ है, बता दो। मैं बता ही दे क्या। अब एक बोल रहा है बता, एक बोल रहा है मत बता पे भूसड़ी वाला। ठीक है बता दे। अबे मत बता क्या। सबसे पहला अनपॉपुलर एनिमे ओपिनियन, बोरुटो में जो साकुरा है वो ज्यादा बेहतर दिखती है बोरुटो में जो हिनाटा है उससे। भाई ये तो हाँ मैं भी एग्री करूंगा। ये मतलब पता है रिवर्स नर्फ करा इन्होंने, मतलब वही मतलब नारुतो शिपडेन में खतरनाक थी हिनाटा, परफेक्ट कर्व, फिर उसके बाद फिर जैसे बोरुटो आया हिनाटा को मतलब पिचका दिया, निचोड़ दिया। और साकुरा को पता नहीं कहाँ से बफ मिल गया, सासुके तो घर पे भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ से बफ। कोई और आता है, और आ रहा है एक हाथ से भाई, कोई और आ रहा है, कमाल है वो, समझ जा बस। मैं कह रहा हूँ भाई कोई शैडो क्लोन बन के आ रहा है सासुके की तरह, ठीक है, पता करना पड़ेगा कौन है। अच्छा वो वाली सीन की बात कर रही है। हाँ अरे तुझे भी मेरे को लग रहा है भाई जिसने स्टार्टिंग में बोरुटो देखा था ना किशिमोटो को छोड़ के, वो अकेला बंदा होगा जो साकुरा फैन होगा, तो उसने बोला था कि अरे भाई हाँ उसने हमारे ऊपर कर दिया वेक अप टू रियलिटी। तभी तो मसाशी किशिमोटो ने वापस ले लिया मांगा कि बहस गई क्या कर रहा है, इतना अच्छा कैरेक्टर बनाया तो उसको भी हक दिया। ठीक है अगला अनपॉपुलर एनिमे ओपिनियन, गोजो है असली मेन कैरेक्टर जुजुत्सु काइसेन का, ना कि इतादोरी। यार ये तो अनपॉपुलर भी नहीं है भाई, स्ट्रेट फैक्ट्स है भाई ये तो। नहीं मतलब देखा जाए अगर तो कास्ट के हिसाब से देखा जाए गोजो एक साइड कैरेक्टर ही है, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो टीचर है, मेन तो इतादोरी यूजी ही है। लेकिन फिर फर्क ये है ना कि एनिमे पॉप अप ही उसके कारण हुआ है क्योंकि गोजो था सीजन 2 के पहले 5-6 एपिसोड तो मेन कैरेक्टर को दिखाया ही नहीं उन्होंने। अबे मेरे को तो ये भी लगता है कि भाई जो मांगा में भी हाइप बन रही है अभी गोजो वर्सेस सुकुना जो चल रहा है, और भाई पूरे जुजुत्सु काइसेन ओवरऑल ये मान ले जिसमें भी गोजो की फाइट हुई है वो उसी से हाइप बढ़ी हुई है पूरे जुजुत्सु काइसेन। तो अगला थोड़ा तहलका हो सकता है ये बट हाँ अनपॉपुलर एनिमे ओपिनियन है, नारुतो को गियर 5 को हराने के लिए बेरॉन मोड की भी जरूरत नहीं है। अबे यार तू क्या चाहता है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग तेरे को 1 घंटे का लगेगा। मेरे भाइयों सुनो, वीडियो के ऊपर एक लिंक होगा, तुम उस वीडियो में देख लेना गियर 5 वर्सेस नारुतो बैरियन मोड, ठीक है। अब जो हरमन ने बात बोला है कि बैरियन मोड का जरूरत नहीं है, टेक्निकली उसने सही बोला, ठीक है ओके भाई ये भी तुमने सही बोला। अब इससे आते एक और अपना अनपॉपुलर एनिमे ओपिनियन पे, जो की ये भी बहुत ज्यादा डिबेटेबल है बट मेरे पास फैक्ट्स है। अच्छा फैक्ट्स है मेरे पास। वो ये है कि वेजिटो इजली ओवरपावर्स गोजेटा। ये तो मेरे को भी पता है। नहीं पूरी दुनिया नहीं मानती ना ये तो मैं सही में अनपॉपुलर बोलने वाला था क्योंकि उनको पता ही नहीं है। भाई बट एक फैक्ट यही है कि ये क्लियरली स्टेटेड है जो पोटारा है वो अबव द मॉडल टेक्निक है, जो कि ये फ्यूजन वाली है जो नॉर्मली फ्यूजन डांस होती है, और ये स्टेट खुद गेंकाई ने किया हुआ है कि जो तुम्हारा वो फ्यूजन डांस है उससे ये 2 गुना ज्यादा तुम्हें पावरफुल करेगा, 2 गुना भी नहीं शायद ज्यादा ही पावरफुल करेगा, जो कि तुम्हारा नॉर्मल फ्यूजन है जितना तुम्हें स्ट्रॉन्ग करता है वो सिर्फ कंबाइन कर रहा है उस वो पावर्स को। ऑन द अदर हैंड वेजिटो लिटरली तुम्हें कंबाइन तो हो रहा है बट एडिशनली और पावर मिल रही है उस पोटारा से। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूँ ये प्रूव करने के लिए, वेजिटो हमेशा फ्यूज वॉरियर के साथ ही लड़ा है, ऑन द अदर हैंड गोजेटा हमेशा सिंगल वॉरियर्स के साथ लड़ा है। तो तुम अब वहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं। लड़ने को भाई लोग लड़ सकते हैं वो लेकिन भाई लेकिन हरमन तो कुछ भी कह ले, ज्यादा कूल तो गोजेटा लगता है जो डांस वांस होता है ना भाई, गोजेटा का डांस कर रहे हैं ठीक है, और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है मीना मीना शिमावा आता के बुरू होएगा तू वो देखो बेचारा म्यूट भी हो गया, उसका कोई है ही नहीं कमेंट मेरे को देने के लिए। अबे भाई अरे यार हरमन तूने ना बहुत बोल दिया अनपॉपुलर। अब मेरा भी एक आया दिमाग में एक है कि टोक्यो रेवेंजर्स अब मेरे हिसाब से बहुत ओवररेटेड है भाई, स्टोरी में कुछ दम नहीं है। एक रिजेक्ट हुआ हुआ लड़का है वो पास में जाता है अपने लवर से मिलने के लिए, ब्रेकअप हो चुका होता है फिर से पैकअप के लिए जाता है बेवकूफ, मतलब कुछ गुंडागर्दी करता है वहाँ जाके भी पास में जाके, सही पढ़ाने के लिए गुंडागर्दी कर रहा है। अबे पता बात क्या है, कैरेक्टर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, वो हाइप भी अच्छा है, लेकिन मैं मेन पता दिक्कत ये है कि अगर तुम रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो एक्चुअली में जो हरकतें करे बहुत फक्ड अप है, ठीक है, लेकिन एनिमे में दिखा रहे तो हाँ हाँ। और एक्चुअली में वही जो हरमन ने बोला दिक्कत ये है कि जापान में ये हरकतें बहुत होते हैं, और लिटरली टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड में देखा था कि मतलब एक बंदे के साथ बहुत खतरनाक हरकत हुआ था, जो कि मैं अभी बोल नहीं सकता इस वीडियो में, लेकिन वही जिनने देखा सीजन उनको पता है कि फैमिली पूरा हॉस्पिटल में जा रखे थे, मतलब वो हरकतें जो होते हैं वो असलियत में होते भी बहुत ज्यादा जापान में। और सबसे कॉमेडी बात, कॉमेडी नहीं आयरनी की बात ये है कि जो बच्चे होते हैं ना वो हमारे इसके बच्चे हैं, मतलब हमारे इसके मतलब 16-17 साल के बच्चे, हमसे भी छोटे भाई। एनीमे में 16-17 साल वाले बच्चे रूल करते हैं पूरी दुनिया को। अबे नहीं इचिगो देख, इचिगो 16-17 साल इचिगो। ओ भाई क्या कर रहा है वो, क्या कह रहा है भाई, नरूटो भी तो 17 साल का था, धरती खत्म कर सकता वो चाहिए तो 17 साल में मादरा को पेल रहा है, बताओ। आशीष आपको कोई बोलना है अनपॉपुलर एनीमे ओपिनियन? यार भाई मैं बोलूंगा ना, बेकार की दिक्कत नहीं है भाई, लोग पागल हो जाएंगे। अच्छा हाँ यार ये है कि अभी जो ब्लीच चल रहा है ना वो भी बहुत ओवर रेटेड है भाई, मतलब ओजी ब्लीच तो बहुत बढ़िया था, उससे पहले जो उसके बाद जो सीजन निकला 1000 ईयर वाला वो भी बढ़िया था, लेकिन अभी जो चल रहा है अभी करंटली 1000 ईयर का जो पार्ट 2 चल रहा है टट्टी लग रहा है मेरे को, मजाक से हटके। ब्लीच बढ़िया भी था, मुझे नहीं पता था। अनपॉपुलर एनीमे ओपिनियन हो गया, सही है। तू रहने दे भाई ये लड़वाएगा तू, अलग आग मत लगा यहाँ पे, पहले से नाग लगा रहा हूँ, तू अलग सा मत आ, फायर फोर्स नहीं चल रही है भाई। हो तो गए बहुत सारे, बट मैं एक आखिरी अनपॉपुलर एनीमे ओपिनियन बोलना चाहूंगा, वो ये है कि भाई आगे मारू ज्यादा बक्से होता शिनचान से। अबे चुप रह चल। अबे भाई सुन मेरी बात सुन, चुप रह से। जर्मन बोलता सतारू, सातरू, बहुत लोग सातरू बोलते हैं, सातरू है तो शायद है ना, सतारू बैरॉन मोड यार ये नहीं बोला था